नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हरियाणा क्लर्क एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी तक थोड़ी साइट बिजी है तो आप कल तक डाउनलोड कर पाएंगे। जिनके डाउनलोड हो गए हैं वो अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अच्छे से देख लें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी एडमिट कार्ड है उसको आप गजेट ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लें। जो भी ज़रूरी नोट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट ले के जाने, जैसे आधार कार्ड है या आपके पास जिस पे आपकी क्लियर फ़ोटो हो, तो वो चीज़ें आप साथ में लेके जानी है। बेल्ट वगैरह, घड़ी वगैरह, जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप साथ ना लेके जाएं, पर्स भी ना लेके जाएं, आप पैसे लेके जाएं, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो आप ये सारी फॉलो करते रहिए। इसके साथ साथ हम बात करें क्लर्क का एग्ज़ाम 21-22-23 तारीख को है, तो इसके लिए मैं एक 350 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। इसके साथ एक टॉप 50 MCQ जिसमें टेस्ट लगाया हमने, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर देख के जाएं। एक 100 क्वेश्चन का आज ही वीडियो डाला है तो वो ज़रूर देखें। और आज का जो वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसमें हम नए बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ नई नियुक्तियाँ भी हुई हैं और जो प्रथम हैं और प्रेजेंट में हैं। टॉप 50 नहीं, इसमें 60-70 क्वेश्चन, 50 लिखा है मैंने लेकिन 70 के अराउंड आपको क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, इनमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम बात करें हरियाणा की। तो देखिए, हरियाणा है वो पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा पंजाब में 1858 में मिलाया गया था, यूपी से निकाल कर 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद इसको मिलाया गया था। फिर 1 नवंबर 1966 तक ये कहाँ रहा था, पंजाब में। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा है वो मंगलवार के दिन, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ट्यूसडे के दिन है वो अलग हुआ है 17वें राज्य के रूप में। 18वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है और 135 सेक्शन 3 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, इसके अनुसार हरियाणा अलग राज्य के रूप में आया है। जो भारत की जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा को जो पंजाब से अलग होने के बाद 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया मिला, जो लगभग 35% से थोड़ा ऊपर है, 0.88 होता है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का 1.34 है और 21वां स्थान है हमारा, किसके अकॉर्डिंग टू एरिया। नेक्स्ट है, इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 121,80,00,000 के समथिंग है और हरियाणा की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 2,53,51,462 है। तो ये भारत की पॉपुलेशन का 2.09% है और इसमें हमारा 18वां स्थान है। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। चलिए सेक्स रेशियो की हम बात करें तो प्रेजेंट में 879, मतलब 2011 के अनुसार हम बात करें और 2018 के अनुसार जो एग्ज़ाम में आया था वो बता रहा हूँ 914। कई अखबार में 918, 924, 920 ऐसी बातें आ रही हैं लेकिन 914 है जो तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो 914 उसमें ठीक किया गया। तो ये आप कर सकते हो 2018 के अनुसार, ठीक है, और 2011 के अनुसार 879 है। मेवात में सबसे ज़्यादा है 907, 1000 के पीछे हाइएस्ट। गुरुग्राम में 854, 1000 के पीछे ये मिनिमम है, मतलब कम से कम है। साक्षरता है एक दूसरे के अपोजिट है, साक्षरता मेवात में कम है 54.08% और ज़्यादा कहाँ है, गुरुग्राम में 84.07%। हरियाणा के पहले CM है वो भगवत दयाल शर्मा बने थे 1966 में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उस टाइम जो विधानसभा की 54 सदस्य थे उसमें, वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं। अब वर्तमान में विधानसभा की 90 सीटें हैं। पहला गवर्नर है वो धर्मवीर बना था और वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य हैं। प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस थे, 1967 में उनको राज्य कवि का दर्जा मिला था, अभी उनका देहांत हो गया, हिसार से इनका संबंध है। वर्तमान में सुरेंद्र शर्मा है। प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनंद स्वरूप, बहुत बार पेपर में आता है, वर्तमान में बलदेव राज महाजन है। नेक्स्ट देखिए, पहला लोकायुक्त प्रीतम पाल, वर्तमान में NK अग्रवाल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी, वर्तमान में कंवर पाल गुज्जर, जगाधरी से विधायक है यमुनानगर से। उपाध्यक्ष संतोष यादव,
ये 13वीं विधानसभा है हरियाणा की, और उपाध्यक्ष संतोष यादव अटेली महेंद्रगढ़ से विधायक है। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन मंत्री हैं रामविलास शर्मा, शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री दोनों मंत्रालय इनके पास। हरियाणा शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को राव तुलाराम की मृत्यु तिथि को मनाया जाता है। 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना। हरियाणा की पहली फिल्म धरती 1968, अरफूल सिंह जाट जुलानी 1970 और प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावड़ 1984, याद रखना आपको। हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी माधव प्रसाद मिसर की है ये, और दूसरी कहानी डाकी डाक खाना, ये भी आप याद रख सकते हैं। एचपीसी के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था दलबारी लाल गुप्ता। एचपीसी 1 नवंबर 1966 को बना था। वर्तमान में करंट में पहले मनवीर बढ़ाना थे, लेकिन अब आर के पंचनंदा, रंजीत कुमार पंचनंदा अभी एचपीसी के अध्यक्ष हैं। हरियाणा का पहला गैस सौदागर है सोनीपत में। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली 29 नवंबर 1970 को पहुंची थी। पहला हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फ्री, लेखक का नाम राजाराम शास्त्री। हरियाणा के प्रथम डीजीपी एमएस भटनागर, वर्तमान डीजीपी का नाम है मनोज यादव, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो राव वीरेंद्र सिंह, महिला सन्नो देवी थी, पुरुष थे राव वीरेंद्र सिंह। प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष सुशीला शर्मा और वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष प्रतिभा सुमन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एचबीसी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 1969 में चंडीगढ़ में, 1981 में इसको भिवानी लेके आया गया। अध्यक्ष हैं जगबीर मलिक, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जगबीर मलिक अध्यक्ष हैं। चरखी दादरी 18 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई। 16 नवंबर 2016 को जिला बनाया गया। एचएसएससी ये मानता है 16 नवंबर 2016 ठीक भी किया है बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन चरखी दादरी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर दे रखा है 1 दिसंबर 2016 ऑफिशियल साइट पे, तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चरखी दादरी जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका निर्माण 1939 में हुआ था। हरियाणा में एकमात्र हिलना पत्थर, बहुत बार एग्जाम में आता है कंपन पत्थर या हिलना पत्थर आ सकता है, तो कलियाणा चरखी दादरी के अंदर। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है इसलिए मैंने इसको भी आपको शामिल कर लिया है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, तो ये 1943 में बना था। हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल फतेहाबाद से, फतेहाबाद में सूढ़ीखेड़ा गांव है। पॉलीथीन मुक्त जिला, पॉलीथीन मुक्त जिले की हम बात करें तो फतेहाबाद है। पॉलीथीन मुक्त सब्जी मंडी तो भिवानी की है, और गार्बेज मुक्त जो जिला है वो है करनाल। ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप सारे ध्यान से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हरियाणा का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर की बात करें तो विष्णु टेम्पल है तोसाम भिवानी के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा किसान आयोग की स्थापना, तो हरियाणा जो किसान आयोग है वो कब बना, 15 जुलाई 2010 में, ठीक है। हरियाणा पुलिस संघ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस संघ की स्थापना हुई। प्रथम मुख्य सचिव की हम बात करें तो कृष्ण स्वरूप नाम था प्रथम, हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव। वर्तमान में पहले डीएस टेसी थे, अब केसनी आनंद अरोड़ा वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव है, क्लियर है। और इसके साथ साथ हम बात एचएसएससी की बात करें तो एचएसएससी की स्थापना 28 जनवरी 1970 और एचएसएससी के दो अध्यक्ष हैं वो हैं भारत भूषण भारती और जो एचएसएससी की सेक्रेटरी है उसका नाम है ईसा कंबोज, तो ये भी आप इसके साथ साथ नोट कर लें। तो एग्ज़ाम के लिए आई थिंक आप रेडी होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। ऐसे ही मैं आपको 100-200 क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले और करवा दूंगा। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, और इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं आप फैला दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन आपको कल रुक बनना है तो इनको रट दें सारे क्वेश्चनों को, मैंने आपको क्लास में ज़रूर करवाए हैं सारे क्वेश्चन,
लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास में मेरे से नहीं पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन ये रिवाइज कर लें। इन क्वेश्चनों में हर एग्ज़ाम में, अभी कलर का आगे और भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।